वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम सिखों के छठे गुरु मीरी पीरी के मालिक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की लाइफ हिस्ट्री बताने जा रहे हैं, सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। पंच प्याले पंच पीर, छठम पीर बैठा गुर पारी, अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म 19 जून 1595 ईस्वी को अमृतसर से 10 किलोमीटर दूर वडाली गांव में सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी के घर में हुआ। आप जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। शक्ल सूरत से बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे। कहा जाता है कि गुरु अर्जन देव जी के विवाह के काफी लंबे समय तक संतान ना होने पर माता गंगा जी उदास रहने लगे, जिन्हें देखकर गुरु अर्जन देव जी ने माता गंगा जी को बाबा बुड्ढा जी से संतान प्राप्ति का वर मांगने को भेजा। वास्तव में बाबा बुड्ढा जी गुरु घर के अनन्य सेवक थे, जिन्होंने सिखों के पहले गुरु श्री नानक देव जी से लेकर छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी की निस्वार्थ सेवा की थी। बाबा बुड्ढा जी के वरदान से ही माता गंगा जी को बालक हरगोबिंद जी जैसा महाप्रतापी बालक प्राप्त हुआ। जहां बालक हरगोबिंद जी के आगमन पर ढेरों खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई पृथ्वी चंद और उनकी पत्नी कर्मो को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि गुरु अर्जन देव जी के घर तो कभी संतान पैदा नहीं होगी, बल्कि भविष्य में गुरुगद्दी तो उनके पुत्र मेहरवान को ही प्राप्त होने वाली है। इसलिए ईर्ष्यावश पृथ्वी चंद ने बालक हरगोबिंद साहिब जी पर कई बार जान से मारने की असफल कोशिशें की। एक बार तो पृथ्वी चंद ने बालक को दूध में जहर मिलाकर देने की कोशिश की और दूसरी बार उन पर जहरीला सांप छोड़ दिया, परंतु ये सारे षड्यंत्र विफल साबित हुए। बालक हरगोबिंद साहिब जी की बचपन से ही शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी बाबा बुड्ढा जी ने निभाई और भाई गुरदास जी ने उन्हें शस्त्र विद्या में निपुण किया। बाबा बुड्ढा जी ने ही उन्हें नाम दिया हरगोबिंद। इतिहास में दर्ज है कि श्री गुरु अर्जन देव जी गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों पर चलते हुए सभी धर्मों के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया करते थे, जिस कारण सभी धर्मों के लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और सभी उन्हें सच्चे पाशा कहकर पुकारने लगे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता की बातें जब जहांगीर को पता चली, जो पहले से ही सिख गुरुओं से वैर रखता था, वह बहुत भयभीत हो गया कि कहीं सभी सिख मिलकर पंजाब पर कब्जा न कर ले। अगर इतिहास पर नज़र डालें तो जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पिता गुरु अर्जन देव जी को कैद करने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए, जिसमें से एक मुख्य आरोप यह था कि जहांगीर के बेटे खुसरो, जिसका अपने पिता जहांगीर से ही विवाद चल रहा था, उस खुसरो की सहायता का आरोप गुरु अर्जन देव जी पर लगाया गया। इस कारण जहांगीर ने गुरु जी को लाहौर बुलाकर बंदी बना लिया। चंदू शाह, जो जहांगीर का सलाहकार था, उसने गुरु अर्जन देव जी को क्रूर यातनाएं दी। अपना अंतिम समय निकट आता देख गुरु अर्जन देव जी ने अपने 11 वर्षीय पुत्र हरगोबिंद साहिब जी को संदेश भिजवाया कि वे पूरी तरह से शस्त्रों को धारण करके ही गुरुगद्दी पर बैठे और अपनी योग्यता के अनुसार सेना रखे। अपने पिता के आदेश की पालना करते हुए गुरु हरगोबिंद साहिब जी 11 जून 1606 ईस्वी में सिखों के छठे गुरु बने। आप जी 1606 से 1644 ईस्वी तक गुरुगद्दी पर विराजमान रहे। आपका कार्यकाल सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि लोगों को अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने ही होंगे और अस्त्र शस्त्र धारण करने की आपने एक नई प्रथा चलाई, जिसके अनुसार आपने दो तलवारें मीरी और पीरी धारण की।
मीरी की तलवार राजनैतिक शक्ति का प्रतीक थी और पीरी की तलवार आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रतीक थी। आपने श्री हरमंदिर साहिब में अकाल तख्त बनवाया, जहां पर आप सिखों के साथ महत्वपूर्ण फैसले लिया करते और साथ ही अपने सिखों को फौजी ट्रेनिंग दिया करते। इस प्रकार सिख मत को लड़ाकू संगठन में बदलने की आपने पहल की। आपने अपने सिखों को एक तरफ पांच गुरुओं की शिक्षा के अनुसार सतनाम का जाप करवाया करते और दूसरी तरफ मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध शस्त्र धारण करने का आदेश दिया करते। आप जी ने संगतों के साथ एक वचन किया कि जहां दीन दुखियों के लिए देग होगी, उनके लिए लंगर तैयार किया जाएगा, वहीं अत्याचारियों और पापियों को खत्म करने के लिए तेग यानी तलवार होगी। इसके साथ ही आपने अपनी संगत को एक और हुक्म दिया कि अब से उनकी सेवा में दसवंत के रूप में धन और अनाज देने के स्थान पर केवल घोड़े और शस्त्र भेंट किए जाएं। सो इस प्रकार आपके हुक्म की पालना करते हुए आपकी संगतों ने शस्त्र तथा घोड़े आपकी सेवा में भेंटे देनी शुरू कर दी, जिससे गुरु जी के पास ढेरों शस्त्र और घोड़े इकट्ठे हो गए। अब हम गुरु जी के निजी जीवन पर नजर डालते हैं। गुरु जी के तीन विवाह हुए थे। आप जी की पहली पत्नी माता दामोदरी जी थी, जिनसे आपको दो पुत्र बाबा गुरुदत्ता जी और बाबा अनिराय जी और एक पुत्री बीबी वीरो जी की प्राप्ति हुई। दूसरी पत्नी माता मरवाही जी थी, जिनसे आपको दो पुत्र यानी बाबा सूरजमल जी और बाबा अटल राय जी की प्राप्ति हुई। आपका तीसरा विवाह माता नानकी जी के साथ हुआ, जिनसे आपको बालक तेग बहादुर जी की प्राप्ति हुई थी। आप गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी अधिक समय ईश्वर की भक्ति में बिताया करते। समाधि से उठकर हर रोज आप जी श्री हरमंदिर साहिब दर्शनों के लिए जाया करते, जहां संगतों को धार्मिक उपदेश दिया करते। संध्या होते ही रहरास पाठ करके दीवान की समाप्ति के बाद आप अपने महल में निवास करते। ऐसी थी आपकी दिनचर्या। इतिहास में दर्ज है कि एक बार चंदू शाह, जो कि जहांगीर का सलाहकार था, आप जी के पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया। वह गुरु अर्जन देव जी के समय में भी ऐसा ही प्रस्ताव लाया था। कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि वह अपने पिता के कातिलों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। दूसरी बार गुरु साहिब की तरफ से इनकार किए जाने पर वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने जहांगीर को भड़काते हुए कहा, बादशाह, गुरु अर्जन देव जी की गद्दी पर जो उनका पुत्र बैठा है, उसने ढेर सारी फौज रख ली है। अपने बैठने के लिए उसने तख्त रचा लिया है और बादशाह की तरह कलगी लगाता है, शस्त्र पहनता है। उसने अपनी सेना भी तैयार कर रखी है। यदि उसे अभी रोका न गया तो किसी भी दिन आपके विरुद्ध उठ खड़ा होगा। चंदू शाह द्वारा भड़काने पर जहांगीर ने अपने दो सेवकों को अमृतसर गुरु हरगोबिंद साहिब जी को सम्मान पूर्वक लाने के लिए भेजा। गुरु जी ने तब अपनी माता और बाबा बुड्ढा जी से आज्ञा लेकर अपने पांच सेवादारों के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां आपकी मुलाकात जहांगीर से हुई। उसने आप जी को एक सुंदर आसन पर सम्मान सहित बिठाकर पूछा, हे पीर जी, हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम दो धर्म हैं। दोनों धर्म अलग अलग कर्म करते हैं। हिंदू राम कहते हैं और मुस्लिम अल्लाह कहते हैं। दोनों अपने अपने धर्म को बहुत अच्छा कहते हैं। आप बताएं, इन दोनों में से कौन सा धर्म अच्छा है? तब गुरु जी ने कहा, सुनो जहांगीर, धर्म वही अच्छा है जो नेक कर्म करवाता है, बंदगी करवाता है और किसी को दुख नहीं देता। आप जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वे आपकी शख्सियत से बहुत प्रभावित हुआ। तब उसने आप जी को 1,000 रुपए भेंट करके माथा टेका। गुरु जी ने वह सारे पैसे उसी पल गरीबों में बांट दिए। एक दिन जहांगीर ने गुरु जी को शिकार पर जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार करके आप जी भी उसके साथ शिकार पर चले गए। जंगल में अचानक एक शेर जहांगीर पर दहाड़ा। शेर की गर्जना सुनकर जहांगीर के सेवक डर कर सहम गए।
कोई भी शेर का सामना करने की हिम्मत ना जुटा पाया। तब जहांगीर ने अपने सामने खड़े शेर को देखकर गुरुजी से प्रार्थना की कि इस शेर से मुझे बचा लें। कहते हैं तब गुरुजी ने उसी पल शेर का वध करके जहांगीर को मौत के मुंह से बचा लिया। जहांगीर गुरुजी की हिम्मत और दिलेरी देखकर उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उनका शुक्रिया अदा किया। जहांगीर और गुरुजी का बढ़ता मेल मिलाप देखकर चंदू बहुत क्रोधित हुआ। वह उनकी मित्रता को तोड़ना चाहता था क्योंकि वह डर गया था कि कहीं वे दोनों मिलकर गुरु अर्जन देव जी के साथ हुए अत्याचारों का मुझसे बदला ना ले ले। एक दिन जहांगीर को तेज बुखार हो गया। काफी उपचार करने पर भी जब उसका बुखार ठीक ना हुआ तो चंदू ने एक ज्योतिष को बुलाकर 500 रुपये देकर उसे सिखा दिया कि तुम बादशाह जहांगीर को कहो कि अगर कोई धर्मात्मा पुरुष 40 दिन तक ग्वालियर के किले में एकांत बैठकर आपकी अच्छी सेहत की प्रार्थना करेगा तब यह बुखार आपका उतर सकता है। ज्योतिष की ऐसी बात सुनकर जहांगीर ने अपने सेवादारों से कोई ऐसे ही धर्मात्मा पुरुष को खोज लाने के लिए कहा। चंदू तो मौका ढूंढ रहा था, झट से बोला, जहांपनाह, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी इस काम के लिए बहुत योग्य हैं। अगर आप उनसे प्रार्थना करके उन्हें 40 दिन तक ग्वालियर के किले में भेज दें तो आपका कष्ट अवश्य ही टल जाएगा। जहांगीर ने चंदू की बात मानते हुए गुरु जी को सारी बात बता दी। गुरु जी तो भविष्य की वार्ता जानते ही थे। उसकी बात स्वीकार करके आप 5 सिखों के साथ ग्वालियर के किले में प्रवेश कर गए। जहांगीर ने किले के दारोगा हरिदास को आदेश दे दिया कि गुरु जी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कहते हैं जब माता गंगा जी को अपने पुत्र हरगोबिंद साहिब जी के बारे में पता चला तो उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को अपने पुत्र का हाल पता करने के लिए ग्वालियर के किले में भेजा। सिख संगते बाबा बुड्ढा जी की हजूरी में ग्वालियर के किले के बाहर द्वार तक आ पहुंची। गुरु जी को मिलने की इजाजत ना मिल पाने पर सभी संगतों ने वहीं पर माथा टेका और शब्द कीर्तन करके संगते वापस लौट आई। इतिहास में दर्ज है 40 दिन होने के बाद भी जब गुरु जी किले से बाहर नहीं आए तो सिख संगते गुरु जी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ जहांगीर रोज रात को डर डर कर उठने लगा। उसकी रातों की नींद ही गायब हो गई। तब उसने एक पीर जलालुद्दीन से अपने डर का कारण पूछा। तब उसने बताया कि तुमने तो प्रभु के प्यारे को दुख दिया है जिसका फल तुम्हें आज मिल रहा है। इसके पश्चात पीर मियां मीर जी ने भी दिल्ली आकर जहांगीर को उसके रोग का यही कारण बताया। उन्होंने चंदू की सारी करतूतें भी बताई कि किस तरह उसने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पिता श्री गुरु अर्जन देव जी को क्रूर यातनाएं देकर शहीद किया था और अब तुमने उनके पुत्र को चंदू के कहने पर कैद किया हुआ है जिसका फल अशुभ है। ऐसी बातें सुनकर जहांगीर को सब समझ में आ गई। उसने उसी पल गुरु जी को किले से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। परंतु गुरु जी ने किले से रिहा होने पर इनकार करते हुए कहा, जहांगीर, जब तक ये 52 राजे जो बिना कसूर किले में कैद हैं उनको छोड़ा ना गया तब तक हम भी रिहा ना होंगे। जहांगीर ने गुरु जी की बात स्वीकार करते हुए कहा, जितने राजे गुरु जी का चोला पकड़कर बाहर आ सकेंगे केवल वही रिहा हो सकते हैं। तब गुरु जी ने 52 कलियों का अपने लिए एक खास चोला सिलवाया और उसे पहन लिया जिसकी एक एक कली पकड़कर सारे राजे भी गुरु जी के साथ उस किले से रिहा हो गए। इस घटना के बाद से गुरु जी का नाम दाता बंदी छोड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गुरु जी जब जहांगीर के महल में पहुंचे तब उसने गुरु जी से अपने किए पर माफी मांगी और उनके पिता गुरु अर्जन देव जी को कैद करने पर भी उनसे माफी मांगी। यहाँ पर एक सोचने की बात है कि जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को कैद अवश्य किया था परंतु उन्हें घोर यातनाएं चंदू ने दी थी क्योंकि चंदू की बेटी का रिश्ता गुरु अर्जन देव जी ने अपने बेटे के साथ करने पर मना कर दिया था। इस प्रकार अपनी बेइज्जती का बदला उसने गुरु जी से लिया। तब
जहांगीर ने चंदू को सबक देने के लिए गुरु हरगोबिंद साहिब जी के हाथों सौंप दिया और कहा, यह आपका अपराधी है, जो चाहे आप इसे सजा दें। गुरु जी अपने सिखों के साथ चंदू को अपने कब्जे में लेकर अमृतसर चले गए। गुरु जी के काफी समय बाद घर वापस लौटने की खुशी में अमृतसर में घर घर दीपमाला की गई। तब से यह दिवस बंदी छोड़ दिवस कहलाता है। अपने परिवार से मिलकर कुछ दिनों बाद चंदू को लेकर अपने सिखों के साथ गुरुजी लाहौर रवाना हो गए। वहां की संगतें आपके दर्शन करके निहाल हो गई। अपने गुरु अर्जुन देव जी के अपराधी चंदू को देखते ही संगतें बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने चंदू का मुंह काला करके सारे शहर में घुमाया। कहते हैं जब चंदू चना भूनने वाले की भट्टी के सामने से गुजरा, तब भट्टी वाले ने चंदू को गुस्से से पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझसे जबरदस्ती बहुत बड़ा पाप करवाया था। मुझसे रेत गर्म करवाकर गुरु अर्जन देव जी के केसों में डलवाई थी। यह कहते हुए बड़े ही गुस्से में चंदू के सिर पर रेत वाला करछा मारा, जिससे चंदू ने वहीं तड़प तड़प कर प्राण दे दिए। कहते हैं 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाहजहां दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। कुछ समय तक उसके गुरुजी के साथ अच्छे संबंध रहे, परंतु पृथ्वीचंद का पुत्र मेहरवान और चंदू के पुत्र द्वारा भड़काए जाने से शाहजहां का रुख गुरुजी के प्रति इतना बदल गया कि उसने गुरुजी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मुगलों के साथ गुरुजी ने चार युद्ध लड़े। पहला अमृतसर में 1634 ईस्वी में युद्ध लड़ा और कुछ समय बाद लहरा, करतारपुर और फगवाड़ा के युद्ध लड़े। सीमित सेना और साधन होने के बावजूद भी सिखों को शानदार सफलता मिलने से उनका उत्साह और आत्मविश्वास और अधिक बढ़ गया। इस कारण गुरु साहिबान की महानता दूर दूर तक फैल गई और बहुत से लोग उनके शिष्य बनते चले गए। गुरु जी मुगलों के साथ युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए वे कीरतपुर शहर, जिसे उन्होंने खुद बसाया था, आकर अपने परिवार के साथ रहने लगे। गुरु जी ने अपने जीवन के आखिरी 10 वर्ष यानी 1634 से 1644 तक इसी शहर में शांति से बिताए। युद्ध की नीति त्याग कर धार्मिक कार्यों में अपना ध्यान लगाया। उनके बड़े पुत्र बाबा गुरदित्ता जी ने धर्म के प्रचार में बहुत सहायता की, परंतु 24 वर्ष की उम्र में बाबा गुरदत्ता जी की मृत्यु हो गई। अपने जीवन का अंत समय आता देख गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बाबा गुरदत्ता जी के छोटे पुत्र हर राय जी को सिखों का सातवां गुरु घोषित कर दिया। गुरु जी ने मसंदों और संगतों के साथ एक वचन किया कि आज से तुम सब लोग हर राय जी को हमारा ही स्वरूप जानना, जो इनके विरुद्ध चलेगा उनका लोक परलोक बिगड़ेगा और वह सदा दुख पाएगा। बानी पढ़नी, सतनाम का जाप करना और हमारे जाने का कभी शोक नहीं मनाना, क्योंकि यहाँ सब कुछ नाशवान और अस्थिर है। प्रभु का हुक्म मानना और उसके हुक्म के अनुसार चलना ही हमारा कर्म है। इतने वचन कहकर गुरु हरगोबिंद साहिब जी सन 1644 को पातालपुरी नामक स्थान में ज्योति जोत समा गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।